तो मैंने कहा जी मोड़ी मोड़ा है तो फिर अपन कौन है। चलेगा, शुरू कर दिया, यूट्यूब पे जाएगी। नहीं ठीक है, कर दो प्ले, हो रहा है धीरे धीरे, पहले से कम हो गई थी। अच्छा परिवर्तन हो गया, नहीं ठीक है, कर दो मन में तेरे, कर दे क्या, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो लगा ग्रे कलर में, कैसे पता? अपने हिसाब से लगा दो जो ठीक लगे, वाइट ही कर दो, सब छोड़। आ जाओ, स्वागत है सभी का। चलेगा, लिखे पहला शब्द, चले देखें। आज हम लोग हालांकि नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, उसके पहले कुछ पारिभाषिक शब्दावली लिख लें, फिर हम आगे चलते हैं। लिखेंगे पहला शब्द, सरल सा है, एनुअल ऑडिट रिपोर्ट। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, अच्छा कुछ का कुछ नहीं कर दूं मैं। एनुअल ऑडिट रिपोर्ट क्या अर्थ होगा इसका? वार्षिक, अब अंके अंके क्षण, फिर प्रतिवेदन, प्रतिवेदन ठीक है, क्या लेखा जोखा बिल्कुल कह सकते हो। अगला लिखेंगे एंटीसीडेंट्स, अगला लिखेंगे एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स इसका अर्थ होता है पूर्ववृत्त, जैसे पहले था वैसा ही पूर्ववृत्त। अगला लिखेंगे एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड प्रत्याशित, जो आपने विचार किया, जो सोचा वैसा, या विचारानुकूल प्रत्याशित, एंटीसिपेटेड। अगला है, ये तो आपने खूब पढ़ा है, बताना है किसने किसके संबंध में कहा था, एंटी डेटेड चेक।
गांधी जी ने, हाँ, पूर्व दिनांकित चेक, ये शायद क्रिप्स मिशन को लेकर के कहा था। अगला लिखेंगे अपेंडिक्स, परिशिष्ट, परिशिष्ट पूर्व व्रत जो पहले था वैसा का वैसा ही। परिशिष्ट का अर्थ क्या होता है? भाग, बचा हुआ, इंडेक्स, अतिरिक्त कोई चीज जोड़ दी जाए। हाँ, ये कह सकते हैं बचा हुआ, तो फिर वो अलग सेंस में हो सकता है, अतिरिक्त कोई चीज जोड़ दें, जैसे मानना, हाँ, अधिशेष वाली, जैसे आपके इसको आप समझ लें कैसे, जैसे अपने हिंदी सिलेबस की बात कर लेते हैं, आपके सिलेबस में उसने सब कुछ दे दिया है, टॉपिक वाइज दे दिया है, फिर लिख दिया है कि सामान्य हिंदी। अब सामान्य हिंदी वो उसके लिए कैसा है? परिशिष्ट है, वो इसके नाम से अपने से कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, और फिर आपने कहा ऐसा आपने क्यों पूछ लिया था, आपने कुछ लिखा ही नहीं था, तो वो कह देगा अपन ने ये लिखा तो था। जैसे संविधान में कितने भाग हैं? 22। 22 भाग के अलावा जो चीज़ें बच रही हैं वो सब किस मैटर में जा सकती हैं? परिशिष्ट में चली जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो बचा हुआ, जो शेष या अलग से जो चीज़ आप जुड़ रहे हैं वो किस में जाती? परिशिष्ट में जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, ठीक है, चेक होगा, आपने देखा होगा कुछ पेजेस के पास में ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस बने रहते हैं नीचे, पेज के नीचे, मतलब इसमें क्या है, कुछ चीज़ें बाद में हमने अतिरिक्त रूप से जोड़ी हैं, परिशिष्ट उनको कर दिया है। ठीक है, चलेगा। तो देखें क्या है, पहला शब्द कह रहा है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, आपने खूब पढ़ा है लेखा जोखा, CAG इसी प्रकार के कार्य करेगा, है ना, और वर्ष पूरे वर्ष भर में क्या पैसा किस दिशा में और किस दिशा में खर्च किया गया है, सालाना की रिपोर्ट तय कर रहा है वो आपसे। फिर कह रहा है अपन एंटीसिडेंट्स, मतलब पूर्व व्रत, जैसी पहले चीज़ें थी वैसी ही व्यवस्था को आगे बढ़ाना। फिर कह रहा है अपन एंटीसिपेटेड, प्रत्याशित, जैसा आपने विचार किया, जैसा आपने सोचा, उसे कह रहे हैं अपन प्रत्याशित। फिर लिखा है एंटी डेटेड चेक, अपन ने खूब पढ़ा है, खूब सुना है, ठीक है, पूर्व दिनांक, आपने एडवांस में एक केस चला कोई ऐसा, एक फिल्म वगैरह जिसमें ऐसा कुछ दिखाया गया है किसी मूवी में कि उसने साउथ की या कौन सी है कि एक उसने जमानत के तौर पर या गारंटी के तौर पर क्या किया था कि उसने चेक दे दिया। हर कोई दे देता है कभी कभी, जैसे कहीं कोई समस्या है, उसने कहा हम आपको इतने समय में ये अमाउंट आपको पे कर देंगे, लेकिन उसने तय समय से पहले उसने बैंक में लगा दिया, हो सकता है उसके पास पैसा नहीं हो। ठीक है, तो अब लोग वह क्या करते हैं कि पहले की एक्स्ट्रा डेट डाल के आपको दे देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जाके बैंक में लगा दें, तो उसका एक शाब्दिक अर्थ अपन याद रखेंगे, एंटी डेटेड चेक। अगला है अपेंडिक्स, मतलब जो परिभाग, जो हिस्सा, जो अंश बाद में जोड़ा गया है उसे आप क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, एक बीमारी का भी नाम है, सुना होगा आपने खूब। ठीक है, चलो देखो, कोई विशेष अंतर नहीं है कि जो चीज़ अधिशेष है, यानी कि जो आपके मूल सिलेबस में या इंडेक्स में जो हम बाद में जोड़ते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अपने टॉपिक अलंकार की तरफ। आज बढ़िया और अच्छा सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वर्तनी, लिख लो। पांच शब्द लिख लो, चलो जल्दी फटाफट लिख लो। हाँ, कठिन नहीं, सरल सरल है, सब सरल ही है सब, कठिन तो हम खुद नहीं जानते, आपको क्या लिखवाएंगे। लिखो पहला शब्द, लिखेंगे क्या लिखोगे? क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप। अगला लिखोगे अधिशासी,
अधिशासी, अधिशासी अधिशासी। हाँ अगला लिखो, किं कर्तव्य विमूढ़, किं कर्तव्य विमूढ़, किं कर्तव्य विमूढ़। अगला लिखेंगे अस्पृश्यता, 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 अनटचेबिलिटी। अगला लिखो, अगला लिखेंगे कैलाश, कैलाश। चलो बताओ पहला शब्द क्या है, क्रियाकलाप तो सबका सही हो जाएगा। खैर अगला बताएं, अधिशाषी। अधिशाषी अधिशाषी का मतलब होता है जो किसी के अधीनस्थ रह के कोई रूल करे, शासन करे। किं कर्तव्य विमूढ़, किं कर्तव्य विमूढ़। अगला बताएं, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, कैलाश। हाँ आधाता है कैलाश, विमूढ़, असमंजस। विमूढ़ का मतलब मानसिक दशा, ऐसी मानसिक स्थिति, ऐसे करके वो भी ठीक है, लेकिन अब अनुस्वार में बदलने की कोशिश करो। ये अपन ने पहली बात तो ये गलत कर दिया यहाँ पर, अब सही। किंग कर तब विमूढ़। हाँ अब बताओ, माँ का प्रयोग कर सकते हो, गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वर्तमान लेखन शैली के हिसाब से आप पंचमाक्षर के स्थान पर किसका प्रयोग करते हो, ये मैंने कितनी बार बताया है। तो ये आप अपना बचाव ढूंढ रहे हो कि मैंने माँ लिख दिया, तो अपने मन को संतोष दे रहे हो कि गलत नहीं हो बेटा तुम, लेकिन आदत बना लो, गलत तो नहीं हो लेकिन सही भी नहीं हुए। फिर कई कई बार ऐसा भी होता है, आपने कोई कृत्य ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी उस नहीं किए हुए कृत्य की भी सजा मिल जाती है, तो काय को चक्कर में पड़ो। आपको 1 लाख बार बता दिया होगा अभी इतने समय में कि पंचमाक्षर जहां भी आ रहा है उसके स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग करो, और नहीं तो हर पेज के ऊपर हिंदी वाले रजिस्टर पे लिख लो, भूल जाओ तो कोशिश मत करो। मैंने बार बार कहा है आप ऐसा लिख दोगे गलत, मैं तो कह दूंगा ठीक है, लेकिन उसने ऐसे कर दिया फिर क्या करोगे, कुछ नहीं। तो इसलिए आदत बना लो, धीरे धीरे करके आदत ही हमारा सुधार का तरीका है, और कोई माध्यम ही नहीं है। ठीक है, किं कर्तव्य विमूढ़ पूरे शब्द का ऐसा अर्थ है, ऐसी मानसिक दशा जहाँ दुविधा में आप फंसे हैं। ये भी करना है, मेंस भी लिखना है, और पता चला कोई डिप्टी जेलर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया जो इस बार PSC से अलग कर दी है, तो अब मन कर रहा है क्या पढ़ लें। चिंता नहीं करो, वहाँ हिंदी में 70 नंबर की हिंदी आएगी, फिर से आपको हम ही मिलेंगे। ठीक है, हाँ फॉरेस्ट गार्ड का भी है। तो अब ये स्थिति जब आप एक साथ दो नाव में सवार हो रहे होते हैं, तो उस समय की जो मानसिक दशा है उसका अर्थ होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है चलें। हाँ अच्छा, कैलाश में दंत साय बनेगा, मतलब ये वाला ही शाह आएगा, लाश मत कर देना कैलाश। ठीक है चलो, अब तो पढ़ने अलंकार। अलंकार सुनते हैं जरा, समझते हैं। हाँ तो अलंकार की यदि बात करें तो बढ़िया शब्द है। पहले तो ये बताएं कि आपने अपने दैनिक जीवन में ऐसा शब्द छोड़ पढ़ाई कहाँ पढ़ा है, मतलब पढ़ाई की बातों में नहीं पढ़ा हो, किसी किताब सिलेबस में नहीं पढ़ा हो। हाँ मतलब जिनका डिपार्टमेंट है उनने नहीं पढ़ पाया, अपन ने पढ़ लिया।
मैंने पूछा ही नहीं, मैंने तो ये पूछा कि आपने, मैंने ये पूछा ही नहीं था, मैंने ये पूछा था कि पढ़ाई से संबंधित ये शब्द आपने, मैंने, मुझे पता है आपने किताबों में खूब पढ़ा है, लेकिन वो पढ़ाई से संबंधित ना हो, उसके अलावा हमने इसको कहाँ देखा है, कहाँ पढ़ा है। हाँ तो आप देखें कि आपने इसको कई जगह मार्केट में भी देखा होगा, सराफा बाजार जाएं तो हो सकता है कई आउटलेट के नाम ऐसे रखे गए हों, फलाना अलंकृत ये। तो अलंकार जो पर्याय है वो आभूषण का, गहने का पर्याय होता है ना। अब पहले तो ये बताओ इसमें संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, अलम प्लस कार, सही है कि नहीं। अब पहले सही है तो इनके दोनों के अर्थ समझ लेते हैं, इन दोनों के अर्थ क्या निकलेंगे। अलम का अर्थ होता है शोभा, अलम का अर्थ होता है शोभा, और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला, कार का अर्थ होगा बढ़ाने वाला। तो वैसे तो ये है कि अब जैसे ये लिखा है तो आप इनका पूरे का, इस अलंकार शब्द का अर्थ समझ गए होंगे, शोभा बढ़ाने वाला, या फिर अपन ऐसा भी कह सकते हैं इसका एक और अर्थ निकलेगा सौंदर्य, सौंदर्य या बढ़ाने वाला भी कर सकते हैं या करने वाला भी कर सकते हैं, बढ़ाने वाला या करने वाला, इनके दोनों के अर्थ ये निकलते हैं। तो या तो आप कहें शोभा बढ़ाने वाले कारक, या सौंदर्य बढ़ाने वाले कारक को आप क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। हालांकि इनको बस अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपने संधि पढ़ ली है और मुझे बस ये देखना था कि आपको याद है कि नहीं याद है, ठीक है। हालांकि इसका अभी अलंकार से आगे अपने को काम आएगा। अब जैसे शुरुआत की जाए कि अपने को पता है कि अलंकार का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो आप सबको पता है, आभूषण है, ठीक है, गहना है, सजावट भी कह सकते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइएगा कि हम अलंकार का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के जीवन में कब और क्यों करते हैं, व्यक्ति के जीवन की बात कर रहे हैं, बाद बाकी नहीं करते। मतलब ऐसा कह लें कि आपको जब खुद को कुछ सामान्य लोगों से बेहतर दिखाना है, थोड़ा सा अपने को कई लोगों से थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंट करना है, तब आप अपने आप को अलंकृत करके जाते हैं, करके जाते हैं क्या नहीं। और यही कारण होता है कि शादी में आप देखें कि पता चले कि जितने बाराती हैं और वो सब सेम दूल्हा वाली यूनिफॉर्म में है, सब जैसे दूल्हा है वैसे सब बाराती हैं। अब इनमें से बता सकता है कोई, बताओ दूल्हा कौन है, कोई नहीं बता सकता क्योंकि सब एक जैसे खड़े हैं, इधर से उधर, उधर से देखो तो ये एक से, यानी कि अच्छा इधर से देख रहे हैं तो सब एक से। तो दुल्हन के लिए भी अपन ऐसे ही करवा देंगे ना, नहीं तो सम्मेलन, हाँ सही कह रहा है, सम्मेलन में ऐसा ही देखने को मिलता है। अब जरा समझो क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को सामान्य से थोड़ा सा बढ़ा करके उसको दिखाना चाहते हैं या कुछ उसको अन्य लोगों से कुछ बेहतर दिखाने का प्रयास करते हैं तो हमें इसका सहारा लेना पड़ता है अलंकार का। और यदि आपने इसका सहारा लिया और आपने उसको अलंकृत कर दिया तो वो व्यक्ति अब स्वाभाविक सी बात है कुछ अलग दिखेगा, स्पेशल दिखेगा। कारण यही है, एक हमारे क्षेत्र में कहावत कही जाती है कि सजा के बमूरा को भी बिठा दो तो उसका भी ब्याह हो सकता है, मतलब बबूल का पेड़, बबूल के पेड़ में कांटे होते हैं और हालांकि उसका कोई विशेष योगदान नहीं है सिवाय जलाने के, ठीक है। तो ऐसी स्थिति कि आप किसी भी व्यक्ति को बढ़िया अच्छे तरीके से कपड़े पहना दो, माना कि अभी कोई एक ऐसा व्यक्ति आपने देखा जिसकी हालत बहुत गंभीर है, काफ़ी महीनों से या बरसों से उसने बेचारे ने नहाया नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति दरिद्र टाइप का है, आप बढ़िया लेकर गए उसको, बढ़िया उसको नहलाया, उसकी कटिंग वटिंग करवाई शानदार, उसको ड्रेस अप एकदम बढ़िया, बाल में कलर वलर करवा के, और वही व्यक्ति आपने उसी जगह बढ़िया चेयर पे कुर्सी बिठा दिया, आदमी नहीं समझ पाएगा ये वही व्यक्ति है जो दो घंटे पहले यहाँ बेचारा घरी घराए करा हुआ डला था, चुकड़ा हुआ डला था, और अब ये आदमी बढ़िया चौड़ा होके बैठा है। तो ये अंतर कब आया, जब हमने उसकी सामान्य व्यवस्था में अंतर कर दिया, मतलब उसके जीवन में तो ये चमत्कार से कम है क्या, नहीं है। ऐसे ही हम लोग इस अलंकार का प्रयोग करेंगे। अब ये अलंकार जो आपके सिलेबस में जोड़ा गया है तो इसलिए तो नहीं जोड़ा गया कि साहब मनुष्य को कैसे तैयार किया जाएगा, हिंदी सिलेबस में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में जो है इसका संबंध सीधे सीधे काव्य से है,
हिंदी में किससे, काव्य से या कविता से आप कह सकते हैं। और हालांकि कविता काव्य में सामान्यतः तीन चीजें शामिल होती हैं, एक रस है, दूसरा छंद है, तीसरा अलंकार है। आप एक साथ पढ़ते हैं रस छंद अलंकार। तो रस भी एक बड़ी आनंददायक चीज है, रस भी एक बड़ी आनंददायक चीज है। कौन सी? कि आप देखेंगे कि आप बिना रस के तो जीवन रसहीन है, हर जगह रस है। लेकिन आपने पढ़ा होगा ना स्थाई भाव वगैरह, कभी ये स्थाई भाव लेकिन खतरनाक होते हैं, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, ये अच्छी बात है। ये क्षणिक होते हैं और अपने आप को, माने खुद को नहीं, वो अपने शरीर को, आपके मन को, आपकी मानसिक दशा को एक ऐसे जाल में फंसा के खुद बेचारे निकल जाते हैं। जैसे लड़ो उड़ो हार्मोन आपने पढ़ा होगा, वो खुद को तो बड़ा सेव करके निकाल ले जाएगा, आपको ले जाएगा कि लगा इसमें हाँ ये तेरे से टकरा के कैसे निकल गया। बस इतना वो अपने को छिड़ देगा, अपन उसको एक हाल छोड़ देंगे। ये सेम रस का भी यही काम है, ठीक है। आपने देखा अभी कोई माना कि ऐसी स्थिति देखी, मैंने बताया जैसे मान लो कि एक्सीडेंट हो गया किसी जानवर का या व्यक्ति का, मान लो, मान तो सकते हैं, उसकी सारी अंतड़ियां बाहर डली सड़क पे, ऐसी स्थिति देख के और कुत्ते क्या कर रहे हैं और ऐसे ऐसे करके चाट चाट के खा रहे हैं, लाइव देखा, तो आपका मन ऐसे, अरे यहाँ पे आप लोगों की मुख की आकृति बदल रही है, तो भीबस ये दशा जो है वो कैसी है? भीबस है। और मान लो कि ऐसी महिला मिल जाए आपको कि वो क्या करे, किसी की आंत आंत की कुंडली बना के जलेबी जैसी, और डुबो डुबो के, मैं आप उदाहरण, चलो ठीक है सिलेबस में नहीं है तो अपन काय को पढ़ा, नहीं पढ़ा रहे तो आप चलो चलो अब रस नहीं, अपने में सिलेबस में नहीं है, इसलिए तो मैंने नहीं ऐड करवाया हाँ मना कर दिया, मैंने कहा आप लोग पढ़ नहीं पाओगे। तो अब अलंकार की बात करते हैं। तो काव्य में रस भी है, काव्य में छंद भी है। छंद का काम क्या है? छंद का काम है किसी भी विषय वस्तु को, काव्य को, कविता को, पाठ को आप गा करके पढ़ सकें। चौपाई पढ़ते हैं, चौपाई को पढ़ने का तरीका अलग है, आप छंद को पढ़ेंगे अलग तरीके में, सोठा को पढ़ेंगे अलग तरीके में, ठीक है। उनकी मात्राएं ये बताती हैं कि उसको हमें किस लय में या किस तुक में पढ़ना है। वो सारी चीजें आप देखेंगे कि वो सब कहाँ छंद में पढ़ते हैं। और अब अगला बचा है अलंकार, तो इसके बारे में अपने को बात कर रही है। तो ये सारी चीजें काव्य में आती हैं, माने कविता में आती हैं। तो काव्य में कविता में कैसे हम सौंदर्य लाएं, कैसे चमत्कार उत्पन्न करें? तो अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं, बढ़िया आपने उनका श्रृंगार करके कविता को बिठा दिया है, तो यहाँ पे आप शब्द या वर्ण या अर्थ किसी के आधार से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, अलंकृत कर सकते हैं। तो अच्छी बात क्या है कि पिछले पेपर को ध्यान में रखते हुए, हालांकि मैंने कुछ ध्यान में इस बार रखा ही नहीं है, मैंने एक ही बार ध्यान में रख लिया था जब आपके नोट्स बने थे तब, और उस समय के नोट्स से आप पुराना पेपर देख लेना, ये वही नोट्स हैं जो 2021 के पहले बटवा दिए थे क्लास में, वही कोई परिवर्तन नहीं आज तक, नहीं सोचो पेपर के हिसाब से अपडेट करवा दिया हो, कोई परिवर्तन ही रत्ती भर का ना, मेरे पास इतना समय है कि बैठ के सब कुछ ऐड करवाएं, एक ही बार मनवा देते, बस एक बार कोई किसी फील्ड में काम कर लो बस। तो आपको अभी पेपर देखा, अच्छा पेपर देखा अपने पिछले साल का, तो उसमें एक डेफिनेशन पूछी थी आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की परिभाषा, तमाम लोग टेंशन में, और मेरी अलंकार की पहली क्लास भी यूट्यूब पर डली है, आज से लगभग सही 1-1.5 साल पहले की बात होगी, उसमें भी मैंने अलंकार ही पढ़ा, इसलिए क्योंकि उस बार हाल ही जोड़ा गया था, और उसमें शुरुआत के 10 मिनट के बाद ही मैंने आचार्य दंडी के बारे में बताया, और अभी फिर बताएंगे आने वाले 10 मिनट बाद फिर से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम अलंकार को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस ये पढ़ना है कि भाई कितने विद्वानों ने कौन कौन से मत या किस अलंकार के संदर्भ में क्या परिभाषा दी है। जैसे एक बार दंडी पूछ लिए हैं, अगली बार भामा पूछ लेगा, अगली बार बामन पूछ लेगा, अगली बार आपके ही क्षेत्र के राजा भोज को पूछ लेगा, प्रसिद्ध साहित्यकार रहे भोजराज आप तो जानते ही। तो अब इन सबको अपन एक एक करके पहले पढ़ेंगे समझेंगे, अब चलते हैं आगे की बात शुरुआत करते हैं, ठीक है। कहाँ है? अच्छा मैंने अभी इतनी अधूरी लड़ाई अब देखें, जैसे अपन यहाँ पे बात करते हैं कि अलंकार के संदर्भ में किस व्यक्ति की क्या मत क्या परिभाषाएं हैं, क्या
देखो आ जाओ फटाफट। सबसे पहले आपको, हालांकि ये गलत लिखा है, पीछे जो आगे है वही पीछे। श्रृंगार, पहले श्रृंगार लिखना सीख लेंगे। पहले नहीं, मेरा एक ही फोटो ठीक आया था। नहीं, ये 2017 का है। हाँ चलो, ये 2017 का है और उसके बाद आज तक ऐसा नहीं आया कि अपन कहीं लगा सकें, तो इसी को संभाल के रखें। हाँ जे हम क्या कह रहे हैं, सब होशियार अपने पास ही, दुनिया के जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो। तभी एक कहावत कही गई है कि ठीक है पढ़ लो। हाँ सुनो, तो अलंकार का अर्थ आपको पता है, आभूषण कह लो, श्रृंगार कह लो, ये सब देखो। ये जो परिभाषा ऐसे ही पहले पेज दूसरे पेज पे आई थी और अब पहले पेज पे रख दी, बस इतना अंतर। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है। तो हमसे एग्जाम में ये पूछा गया था कि आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की क्या परिभाषा है। देखो लिखने का तरीका समझना, छापो कुछ मत, सब नोट्स में लिखा है पहले से। कितना छापोगे बताएंगे आपको, लिखने का क्या तरीका है। तो आप जब भी, आपसे कभी भी किसी, आपसे विद्वान के, विद्वान का मत पूछता है, हमसे विद्वान का मत पूछेगा परिभाषा के रूप में, तो आप कोशिश करें, कोशिश कर सकते हैं और मेरे हिसाब से ये कोशिश सफल होनी चाहिए, है ना। कोशिश क्या करेंगे कि हम उनकी परिभाषा, उनका मत यदि अपने पास संस्कृत में है तो संस्कृत में ही लिखा जाए, उसका बाद में अगली लाइन में अनुवाद कर दें हिंदी में। दो ही विषय ऐसे हैं, दो ही विषय ऐसे हैं, एक तो हिंदी और दूसरा मैथ, जिसमें आपको नंबर पूरे के पूरे मिल सकते हैं। बादबाकी पेपर 1, 2, 3, 4 जहाँ गणित है उसको छोड़ देंगे। बादबाकी आपको, मुझे नहीं लगता कि आपने 11 नंबर का क्वेश्चन करके आए हैं, वो 10 भी देगा हिंदी। अरे यही तो खेल है, वही बताएंगे क्यों पूरा मिलता है, क्या कारण है। कारण इसमें यह है क्योंकि आप यहाँ पे इतने फैक्ट जमा करोगे, इतने तथ्य जमा करोगे, एक आध इधर का उधर कर दिया तो वो आपको सीधे 10 पे से 5 पे ले आएगा सीधे। 9, 8 का तो वहां कंसेप्ट नहीं, सीधे आधे करता है, सीधे हटो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कारण क्या है। एक तो आपके 3 नंबर से ज्यादा मार्किंग नहीं है, पहली बात तो। सबसे अच्छी बात यही है, जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतने नंबर कम कटने की संभावना होगी। ठीक है, अब आपके पास में 3 नंबर का क्वेश्चन है, 15-18 शब्दों में लिखना है, और आपने माना कि आचार्य दंडी के बारे में बात कर रहा है और आपने इनकी संस्कृत की डेफिनेशन लिखा है। अब बताओ इसमें से क्या काटेगा। उसने पूछा है कि बताओ गणित में 2 और 2 होते हैं, तो अब 5 तो लिख नहीं आएंगे अपन, 4 लिखेंगे, तो अब बताओ काय में नंबर काटेगा। अब उसे, वो अपने से यही तो पूछ रहा है, बताओ आचार्य दंडी के अनुसार अलंकार की क्या परिभाषा है, तो एक लाइन की भी परिभाषा नहीं है। जब आप लिखोगे तो आपको भी लगेगा एक लाइन की परिभाषा नहीं है। अब आपने इसको पहले संस्कृत में लिख दिया, उसी को ट्रांसलेट अनुवाद करके हिंदी में लिख दिया, अब एग्जामिनर का अपने प्राण लेगा क्या। अब हम तो ये कह रहे हैं हमें 3 नंबर चाहिए नहीं, हमें तो इतने चाहिए बस, हम तो कम में संतोष करते हैं, बहुत है इतने। और अच्छी बात क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले तो फिर भी अपने होनहार होशियार लोग हैं, और हिंदी मीडियम वाले बेचारे क्या सीधे हैं, है ना, भोले आदमी हिंदी मीडियम के। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ाऊँ इसलिए। अब देखना यहाँ पे जरा कि हिंदी मीडियम वालों के साथ थोड़ी सी समस्या आ सकती है, कौन सी, वो लगभग 30 से 35 नंबर वाली, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश, आप कतई तनाव मत लेना। मैं इनको जोड़ के नहीं चल रहा, मैं तो जोड़ के 160 चल रहा हूँ, मुझे तो 155 से 160 के बीच में नंबर चाहिए बस। अपने को काम ही यहाँ करना है, हालांकि ऐसा नहीं कि इसको बिल्कुल छोड़ के चलेंगे, छोड़ के तो ये भी नहीं चलेंगे, लेके तो अपन इनको भी चलेंगे, इनसे भी अपन 35 में से 15 तो ले ही आएंगे मरी से मरी हालत में। ठीक है, अब बात ये कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे 155 से 158 के बीच में आपको लक्ष्य रखना है कि किसी भी स्थिति में यहाँ तक अपने को पहुँचना है, और यहाँ तक पहुँचने का कोई एक बड़ी बात नहीं है। मैं बता ही रहा हूँ जैसे प्रश्न, क्योंकि अपने में 3 नंबर का वेटेज ज़्यादा है, 2 नंबर का वन वर्ड वाले आंसर है। पूछा उसने अलंकार का शाब्दिक अर्थ, एक शब्द में आंसर लिखना है, बताओ नंबर काय में काटेगा। बता दोगे ना कि ऐसा ऐसा कोई बालक जो अपनी, नहीं जैसे मानो उसने पूछा ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी मानसिक स्थिति असमंजस में है, लिख दोगे आप किंकर्तव्यमूढ़।
अब उसको दो ही देना पड़ेगा, उसमें क्या काटेगा नंबर बताओ। तो ऐसे करके नंबर पूरे मिलेंगे। पारिभाषिक शब्दावली पूछा उसने, डेट पोस्टेड चेक ही पूछ लिया मान लो, अब आप आंसर लेके आओगे तो कहाँ कटेंगे नंबर, कहीं नहीं कटेंगे। तो हाँ सोचने, अब अपने में चीजें ऐसी पूछता है जहाँ नंबर कट ही नहीं सकते। चलो अब यहां से शुरुआत करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी, हम लगभग 8 से 10 विद्वानों को पढ़ेंगे और प्रयास रहेगा कि 8 से 10 विद्वानों में से यदि आपका एग्जामिनर कोई डेफिनेशन पूछता है तो ऐसा प्रयास है कि इन्हीं में से आना चाहिए, गारंटी कुछ है नहीं, है ना। अब देखो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन आचार्य दंडी की तरफ लेके चलते हैं, इनका मत क्या है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रत्यक्षते। इन्होंने ये कहा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक या धर्म या गुण, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या कारक या गुण को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो आपने एक लाइन ये लिखी, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकाराना प्रक्षक्ते, ये लिख के अर्थात करके लिख दिया, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को धर्म को, दोनों किसी में से एक ही लिखना है, धर्म को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, बस। अब उसने जो पूछा है उतनी बात लिख दी, आपका काम हो गया। तो आपको ये परिभाषा याद करनी पड़ेगी, कोई कठिन बात नहीं है। और आज हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे उनको अपन अंत में बताएंगे क्या करना है। तो आचार्य दंडी के अनुसार जरा बोलने क्या क्या लिखा है। अब देखो यहीं पे देखो, काव्य का मतलब मैंने बता दिया, यहाँ पे काव्य मतलब कविता से संबंधित है। तो काव्य की जो शोभा बढ़ाए ऐसे धर्म को क्या कहते हैं या ऐसे कारक को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को, धर्म को, गुण को, अवयव को क्या कहेंगे, अलंकार कहते हैं। तो ये किसने कहा था, और माना कि अपने को संस्कृत वाली लाइन याद नहीं आ रही तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आप डायरेक्ट हिंदी में लिखेंगे आचार्य दंडी के अनुसार, हालांकि वो सब बातें क्वेश्चन में लिखी है, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट एरो करके लिखा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को या धर्म को या गुण को हम अलंकार कहते हैं, ऐसा दंडी ने कहा, बात खत्म। ये है कि यहाँ पे आपको 2.5 तो नहीं लेकिन 2 नंबर वो आराम से 1.5 से 2 के बीच में देगा। यदि संस्कृत में लिखोगे, आपका पड़ोसी संस्कृत में लिखेगा और आप हिंदी में लिखेंगे तो समस्या है। वो अलंकृत कर दी उसने, वो आंसर कैसा कर दिया उसने, अलंकृत कर दिया, काय से, संस्कृत की परिभाषा से, क्योंकि उसको उसको भी 3 लाइनें मिली, अपने को 3 लाइनें मिली, वो आपका आंसर संस्कृत प्लस हिंदी में लिख रहा है, क्योंकि जो मूल डेफिनेशन है, मूल परिभाषा तो संस्कृत में लिखी गई है। तो मूल परिभाषा के साथ चलेंगे और अनुवाद करते हुए चलेंगे, ठीक है। चले आगे चलते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। एक हैं आचार्य बामन, इनकी तो जैसे ये खुद हैं बेचारे होशियार से, बहुत शानदार व्यक्ति रहे हैं, वैयाकरण रहे हैं, इनकी छोटी सी परिभाषा, सौंदर्यम अलंकार। अलंकार क्या है, काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाए। अलंकार क्या है, काव्य की सौंदर्यता को जो बढ़ाए वो अलंकार है। तो काव्य में सौंदर्य को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। तो बस एक शब्द, वन वर्ड में आंसर है इनका। अब बताओ उसने एग्जाम में इस बार कहीं आ जाए आपके में के बताएं, क्वेश्चन लिख रहा है आचार्य बामन के अनुसार अलंकार की परिभाषा लिखें, तो आपको एक शब्द लिखने से और 2 शब्द ये हिंदी में लिखने से 3 नंबर मिल सकते हैं, तो क्या बुराई वाली बात है। आपने लिखा कि आचार्य बामन ने लिखा है सौंदर्यम अलंकार, मतलब काव्य में अलंकार कैसा काम करते हैं, सौंदर्यता लाते हैं, चमत्कार उत्पन्न करते हैं, इतनी सी लाइन लिखने से अपना काम पूरा हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, अलंकार संप्रदाय के जनक या प्रवर्तक, या प्रवर्तक लिखा है, हम जनक भी याद करेंगे तो आपसे कवि पूछेगा कि बताइएगा अलंकार संप्रदाय के जनक कौन है या अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आप आंसर करेंगे आचार्य भामह। तो आचार्य भामह को हम क्या कहते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक या जनक कहा जाता है, ये बात रट लेना, क्योंकि हर फील्ड का कोई ना कोई एक मास्टर रहा होगा, एक जनक रहा होगा, सर्वे सर्वा रहा होगा, तो अलंकार के बारे में हम एक नाम याद रखेंगे, आचार्य भामह, ठीक है। अब इनका क्या स्टेटमेंट है, इनका बड़ा अच्छा है, ना कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। आपने शायद शब्द सुना हो एक कांत, आपने शब्द सुना हो कांति, आपने शब्द सुना हो शायद क्रांति, आपने शब्द सुना हो शायद क्लांति, हाँ युग्म शब्द ही है सब। अब देखो इनके सबके अपने अपने अलग अलग अर्थ निकलेंगे और हिंदी की यही पहचान है, अब यहीं पे अलंकार बना दोगे आप, तो यहीं पे अलंकार बना दोगे, अपने को अलंकार की मात्र परिभाषा पढ़नी है
और इतना तो आपने भी अनुप्रास पढ़ लिया होगा कि जब एक वर्ण की आवृत्ति या व्यंजन की आवृत्ति दो से अधिक बार होगी वहां पे अनुप्रास, तो अपने को नहीं पता अर्थ क्या निकलेगा। लेकिन तो अब लेकिन ऐसा नहीं का का जो कक्का का करें कहाँ जाए ऐसे करके नहीं, मतलब थोड़ा सा अर्थ अर्थ निकले, सार्थक अर्थ निकले। क्लांति का मतलब होता है थकावट, क्लांति का अर्थ होता है थकावट। कांत पति का पर्याय है, कांत किसका पर्याय है, पति का। और कांति माने चमक और क्रांति माने, अब देखो कितना बढ़िया अर्थ निकलेगा कि क्लांति माने एक थका हुआ पति, उसके चेहरे की क्या चली गई, तो क्या हो गई, मैंने कि कमा कमा के मर गए, खुद शरीर खुद का शरीर सूख गया, 50 किलो के आए थे 80 किलो के हो गए, ठीक है, ऐसी मतलब वो बात कह सकता है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जरा देखो कि कांतमपि मतलब कांति जो शब्द है, यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है कांति, ये तो पर्याय पति का है, लेकिन बात कर रहे हैं कांति की। कांति माने होता है चमक, और चमक ये किसी से भी संबंधित हो सकती है। बाबा रामदेव अपने प्रोडक्ट के बाद में खूब लिख रहे हैं केश कांति, दंत कांति, फलानी कांति, है ना। तो कांति का मतलब है चमक। अब जरा देखते हैं, ना कांतिमपि निर्भूषम विभाति वनिता, एक और पर्याय याद करो, वनिता किसका पर्याय है, वनिता स्त्री का पर्याय है, वनिता किसका पर्याय है, वनिता स्त्री का है। अब ये कह रहा है कि स्त्री जो है वो बिना आभूषण के, स्त्री का मुख जो है बिना आभूषण के कैसा नहीं हो सकता, बिना श्रृंगार के, बिना मेकअप के कैसा नहीं हो सकता, ये मैंने नहीं कहा है किसी भी स्त्री के लिए कर सकते हो, हाँ ठीक है। अब याद रखो ऐसा इन्होंने कहा, अर्थात अलंकार के बिना कविता वैसी ही है, कैसी, आभूषण या अलंकार के बिना किसी नारी का मुख, तो नारी के मुख को बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलंकृत करना पड़ेगा, उसको भी सजाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे किसी कविता को आप सजाएंगे तो वो स्त्री का मुख शानदार लगेगा, और यहाँ पे कविता पढ़ने में आपको बेहद आनंददायक लगेगी। तो किस, अब यहाँ पे जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न हुआ है किसी भी काव्य में या कविता में, किसी भी काव्य में या कविता में सौंदर्य उत्पन्न होने के पीछे का कारण क्या है, वहां पे प्रयोग किए गए वर्ण या शब्द, वो उसमें क्या करते हैं, चमत्कार लाते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे किसी व्यक्ति को सुशोभित करना है या शोभायमान करना है तो उसको बेहतर शानदार ड्रेसअप कर दो, उसका भी शानदार मेकअप कर दो, तो वो भी अपने आप में कैसा हो जाएगा, सुशोभित लगेगा, संपन्न लगेगा। तो ये सब बातें हमको यहाँ से याद रखना है। तो अब जरा ध्यान से सुनते हैं कि आपके आचार्य भामा ने क्या कहा है, तो आप परिभाषा याद रखेंगे, ना कांतमपि निर्भूषम बनित निर्भूषम विभाति बनिता मुखम, तो किसी भी महिला का मुख बिना आभूषण के जैसे शोभायमान नहीं हो सकता, वैसे ही कोई कविता तब तक शोभामान नहीं हो सकती जब तक उसमें क्या ना हो, अलंकार ना हो। तो अलंकार जैसे काव्य की कविता की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही किसी महिला या उस स्त्री का मुख की सुंदरता कब बढ़ेगी, जब उसको श्रृंगार या अलंकृत किया जाएगा। तो इस तरह से आप आचार्य भामा को याद रखेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपके एग्जाम में आचार्य भामा आने चाहिए, ऐसा मेरा मन कह रहा है। और ऐसा सही भी नहीं है कि अपन जो कहें वो पूरा भी हो जाए, है ना, लेकिन ये कि आप इनको जरा ढंग से पढ़ लेंगे या याद रखने की कोशिश करेंगे कि आचार्य भामा का क्या महत्व है आपके अलंकार में, तो आप याद रखेंगे ये अलंकार के प्रवर्तक माने गए हैं या अलंकार के जनक कहे जाते हैं, और अलंकार के संदर्भ में इनकी परिभाषा को याद रखेंगे, ठीक है, चलेगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले हैं आचार्य जयदेव। ये बड़े शानदार आपके अलंकारवादी कवि रहे हैं, इन्होंने तो तुलना इतनी खतरनाक की है कि जैसे अग्नि में उष्णता होती है, गर्माहट यानी कि जिसके कारण तपन जलन कुछ भी कह लीजिएगा, तो जो आग में उष्णता होती है उसके समान ही कविता में अलंकार की भूमिका मानी गई है, कि कविता में यदि आपने अलंकार का प्रयोग कर दिया तो वो अलंकार, वो कविता इतनी बेहतर हो सकती है, कितनी बेहतर, जैसे कि आग में उष्णता। तो कभी अपने से आपको जयदेव के बारे में लिखने के लिए कहे तो अपन लिख सकते हैं कि इन्होंने अलंकार में, इन्होंने कविता में अलंकार की तुलना आग की उस उष्णता के समान की है जो बेहद ज्वलनशील है, वैसे ही आप बता सकते हैं कि वैसे ही उस कविता में, उस काव्य में अलंकार की भूमिका होती है। आग कब आग है बताओ, जब तक उसमें ज्वलन नहीं है, ऊष्मा नहीं है। अब देखो सर्दी में हल्की फुल्की आग होती है तो आप तो उसमें ऐसे इंजोजो ऐसे करते रहते, कुंफू कराटे वाले जैसे करते रहते हैं, हल्की हल्की आग, लेकिन वहीं अब देखो लपट कहीं उठ रही हो, कहीं भयंकर ज्वाला उठ रही हो,
तो उससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ये वाला भाव बहुत ज्यादा है, उष्णता माने उसमें ज्वाला हीट बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही आपने जैसे कोई लाइन सुनी, कोई पंक्ति सुनी, एकदम से आपके दिमाग को रैंडमली क्लिक कर गई, मतलब उसमें हो सकता है कोई ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया हो जो आपके मन को छू गया हो। और वो कब करेगा, जब उसमें किसका प्रयोग करेंगे, अपन अलंकार का प्रयोग करेंगे। तो याद रखेंगे जयदेव के अनुसार क्या इन्होंने कहा है, जैसे अग्नि में उष्णता का भाव ज्यादा होता है, वैसे ही किसी काव्य में, किसी कविता में किसका महत्व तो ज्यादा होना चाहिए, अलंकार का। अगली बात देखो, अगला देखेंगे कि अग्नि पुराण ये एक रचना है, नहीं तो वो 18 पुराण में से समझो आप, ठीक है, नहीं तो 18 में से जैसे वायु पुराण आपके अलग अलग हैं, वो नहीं है, ये आपके साहित्य से संबंधित है। तो इसमें एक बात लिखी गई है कि काव्य की आत्मा रस है, यहाँ पे बस पर्याय का प्रयोग किया गया, ज्यादा कुछ अर्थ अलग नहीं है। काव्य की आत्मा रस है, लेकिन काव्य के प्राण किसको मान लिए इन्होंने, अलंकार को माने हैं। ये सही बात है कि बिना रस के कोई भी कविता या किसी भी रचना को पढ़ने में आनंद ही नहीं आएगा। हमें पढ़ने में कोई भी विषय वस्तु आनंद तब आता है जब आपको उसमें किसी रस की अनुभूति हो, किसी रस की प्राप्ति हो। जैसे आपको कोई भी सब्जेक्ट कठिन लगता हो, जैसे कोई भी सब्जेक्ट, अभी आप 1 से लेकर 6 तक में कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक परेशान कर, सबको अपने अपने अलग अलग टॉपिक होंगे ना, अलग अलग सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे मुझे मैथ आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है, तो अपन उसको पढ़ते ही नहीं हैं, दूर कर दिया, ठीक है। अब जरा समझते हैं, तो उसमें मुझे क्यों पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें मुझे रस नहीं है, रस नहीं मिलता मुझे उसमें, पढ़ने में आनंद नहीं आता, इसीलिए वो चीज मुझे समझ में नहीं आती। जिस विषय में, जिस टॉपिक में आपको आनंद की प्राप्ति हो, रस की प्राप्ति हो, वो अपने आप समझ में आता है। जैसे माना कि आप लोग बातचीत कर रहे हो और आपकी बात को कोई तीसरा व्यक्ति सुनना हो, और वो सुनने वाला कोई छोटा बालक है जिसकी उम्र 12-15 साल है, तो आम बोलचाल में कह सकते हैं, देखो कैसे ध्यान से सुन रहा है, कैसे रस मिल रहा हो जाए मोड़ा, रस मतलब आनंद। तो उसको क्या है? आपकी बातों में क्या मिल रहा है? आनंद आ रहा है। हाँ, तो मैं तो हमेशा, ठीक है, हाँ, तो मैं तो वैसे, अब हिंदी का आदमी, हिंदी विषय से संबंधित जो व्यक्ति है, वो तो अपने जीवन में तो आनंद ले ही रहा है, लेकिन दूसरे के जीवन से भी अपन आनंद खींच लेते हैं कि ये कैसे इतना प्रसन्न है, तो अपन क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। तो भाई अपने यहाँ तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार है, हिंदी तो ये सिखाती है, नेगेटिविटी है ही नहीं और रखना भी नहीं, ठीक है, क्या करोगे रखें, ठीक है, सब यहीं के यहीं रखा रह जाएगा। अब देखो, तो आप याद रखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है कि काव्य की आत्मा को रस माना है, सही बात है। काव्य माने कविता, कहानी, रस, छंद, अलंकार, जो भी हम पढ़ते हैं उन सबको हमें पढ़ने में, जैसे आप जरा सुने, आपने कभी छंद सुना हो? छंद में जैसे उदाहरण, राम स्तुति तो सुनी होगी सबने, जैसे भय प्रकट कृपाला, इसको एक विशेष लय में गाया जाएगा कि चाय जैसे गा देंगे, लय में गाया जाएगा, तो उस लय में भी आपको आनंद आएगा, आएगा क्या नहीं आएगा। अब वैसे ही मानो कि मेरे जैसा आदमी कहीं कुछ का कुछ पढ़ दे और अपनी एक अलग धुन बना दे, तो वो आपको आनंद नहीं आ पाएगा जो वास्तव में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि रुकना, ठहरना, गति, बोलते मात्रा, यति, गति, तुक, लय, ये सब चीजें बेहद जरूरी हैं। कहाँ रुकना है, कहाँ स्पीड और बढ़ानी है, जो नोड होती है, आप लोग अंग्रेजी में नोड कहते हैं, उतार चढ़ाव, तो जब तक कहाँ रुकना है, रुकने की जगह रुक जाओ तो ठीक है, और जहाँ नहीं रुकना था वहां रुक गए तो अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा, फिर कहना कुछ चाह रहे थे कहे और कुछ गए, तो वो आप, अब डिपेंड करेगा आप क्या समझोगे। तो याद रखो काव्य की यहाँ पे तुलना की, काव्य की आत्मा क्या, रस मानना है। तो विद्वान ये कह रहे हैं कि साहब तो अलंकार भी काव्य के कौन है, प्राण है, इनको भी कम नहीं आंको, इनको भी कम मत समझो, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखो अग्नि पुराण में कहा गया है कि अलंकार रहता विद्वेव सरस्वती, क्या कहा गया है कि अलंकार उस वाणी के समान है, किस वाणी के समान, जो उस वाणी के समान है जैसे विधवा शोभाहीन होती है या उसमें शोभा नहीं रहती, उसी के समान तुलना की गई है कि यदि ऐसा काव्य ऐसी कविता जिसमें अलंकार का कोई प्रयोग नहीं किया गया है, वो शोभामान नहीं है, वो शोभाहीन है। कैसे शोभाहीन है, तो विधवा के समान शोभाहीन बता दिया, ऐसा उल्लेख लिखा गया है अलंकार के बारे में। कहां पे लिखा गया है? अग्नि पुराण में लिखा गया। तो आप बताएंगे अग्नि पुराण में क्या लिखा है, अलंकार रहता विधवेव सरस्वती। तो बाणी जो है, बाणी आपकी हमेशा नहीं कहते कि शुभ बोले, अच्छा बोले और हमेशा सरल रहें और सहज रहें, ऐसा नहीं है कि आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करें
तो बात सुन के आप जैसे कई लोगों के क्या जैसे कोई नोर जैसे भावनापूर्ण कोई बात किसी ने कही तो उस व्यक्ति के हो सकता है कि नेत्र माने आंखें हाल सजल हो जाएं। सजल सृजन एक अलग शब्द है, सृजल नहीं होगा, सृजन एक अलग है और सृजल हाँ सजल, सजल का मतलब क्या है, आंखों में जो आंसू आए हैं आपके में। तो मैं ये कहता हूँ कि आप हमेशा जो रहो वो ऐसे एकदम नहीं कि हाल आंख थोड़ी थोड़ी बात पे रो गए या उदास हो गए, ना आप हमेशा अपने आंखों को कैसा रखो, सजग रखो, सजल नहीं सजग। सोचो ये ऐसे नाटक कर रहा है तो क्यों कर रहा है, सजल हो जाओगे तो दिखाई नहीं देगा, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा क्योंकि आंखों से क्या आ रहे हैं आंसू, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। और सजग रहोगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप उसको तार्किक रूप से समझ सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा ऐसा नहीं कि भावनाओं में बह जाओ, सजग भी रहो, सजल भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि मानव, मैंने क्या यहाँ पे लिखा ही है कि ये सब क्या रस की बातें हैं, ठीक है। तो सजल सजग अलग बात है, लेकिन इसको समझ लो कि अलंकार जो इसमें अग्नि पुराण में अलंकार के संदर्भ में क्या कहा गया है, तो अलंकार रहता विद्वेव सरस्वती, ठीक है। तो आप इनके हिंदी के भी अर्थ को ढंग से याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक। सरल सरल सी बातें दो तीन बार आपको आज इनको जाके लिखना है, आप बताएंगे किस तरह से लिखा जाएगा। अभी आपने इनका विच्छेद किया था, अभी आपने इसका विच्छेद किया था तो थोड़ी देर पहले तो आपने देखा था कि इसको अपन दो भागों में बांट रहे थे, एक अलम प्लस कार, जो कार शब्द है वो क्रे धातु से बना है। एक शब्द आता है जैसे मूल क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप कह लें या हिंदी में संस्कृत में कहते हैं क्रिया का धातु रूप, मूल रूप या धातु रूप। ये क्या होता है जरा समझ लो कि जैसे माना कि अपने पास एक क्रिया का उदाहरण लिखा है पढ़ना, फिर लिखा हुआ है चलना, ठीक है। अब ये कोई अपने से पूछे, एग्जामिनर भी पूछे, अपना सहयोगी पूछे कि इन दोनों में से बताओ क्रिया का मूल रूप या धातु रूप क्या है, तो आपको क्या करना है, इसमें से ना को हटा देना है, तो आप क्या कर देंगे, क्रिया का मूल रूप या धातु रूप पर पहुंच जाते हैं। तो अब जैसे आपने बताया कि इसमें मूल रूप क्या होगा, पढ़, ठीक है, यहाँ पे मूल रूप क्या होगा, चल। ये आपके संस्कृत से उठा करके अपन ने इनका प्रयोग किया है। और क्रिया का सामान्य रूप आप बना सकते हैं, जो भी मूल रूप या धातु रूप था उसके साथ क्या जोड़ दो, ना। तो ये जो क्रिया है, क्रिया जो लिखा है, ये आपका धातु रूप है, और इसका अर्थ क्या होता है, करना, जो अभी बताया ही था, कार का मतलब करने वाला या बढ़ाने वाला, कार का अर्थ क्या होता है, करने वाला या बढ़ाने वाला। ये सब बातें आपको यहां से याद रखनी है। तो अब जरा ध्यान से देखना कि अलंकार शब्द जो बना है अलम प्लस कार से बना है, अलम का अर्थ क्या, शोभा या सौंदर्य, और कार का मतलब करने वाला या बढ़ाने वाला। तो जब आप अलंकार की प्रॉपर जब परिभाषा लिखोगे, कभी पूछे अलंकार को परिभाषित करें, तो इसी तरह से विच्छेद करके उन दोनों के हिसाब से लिखा जाएगा, उन दोनों का अर्थ भी लिखना बेहद जरूरी है, ठीक है। फिर लिखा है कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है, भूषित करने वाला यानी कि शोभा बढ़ाने वाला या सुंदरता उत्पन्न करने वाला, ठीक है, ये आपको पता ही है। और ये मैंने आपको बता दिया अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक या जनक कौन है, आचार्य भामा है, ठीक है। अगला देखो, आचार्य भामा ने अलंकार को क्या कहा है, तो इनके स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। काव्य की आत्मा, अलंकार काव्य की आत्मा है, किसके अनुसार, भामा के अनुसार। और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक या जनक किसे कहते हैं, भामा को कहते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, ये व्यक्ति भी बहुत शानदार है, केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, ये बंडे टाइप के एग्जाम में खूब सवाल पूछा जाता है, कहो अपने जीके में, पीएससी के जो प्रीलिम्स में, उसमें कहो पूछ ले कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं, ठीक है, केशवदास को कहते हैं। तो जरा समझते हैं, अब इन्होंने क्या किया कि इनकी रचनाओं में अलंकार और ऐसे नहीं बड़े जटिल माने कठिन क्लिष्ट अलंकारों का प्रयोग किया। सोचने पढ़ने वाला डिक्शनरी बेचारे रखे बैठा है तो भी उसके अर्थ नहीं मिल रहे, इसीलिए इनको केशवदास को कैसा कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ये अपन बात, एक पॉइंट याद रख सकते हैं, इन्होंने अलंकार का खूब अत्यधिक प्रयोग किया है। और इनकी एक डेफिनेशन बड़ी शानदार है, भूषण बिनु ना विराजे ही कविता वनिता मित, भूषण बिनु ना विराजे ही, भूषण मतलब जानती हैं गहना, भूषण बिनु ना, भूषण के बिना शोभायमान नहीं हो सकते या शोभा नहीं बढ़ सकती, कौन की नहीं बढ़ सकती, तो आप बताएंगे कविता की, वनिता की और मित्रता की।
तो अब मित्र माने मित्रता, मित्र के संबंध में याद रख लो, वैसे तो मित्र एक लयपूर्ण शब्द है। आप देखेंगे कि अपन को तो दो पॉइंट याद रखना है कि कविता और बनिता, क्या याद रखना है कि कविता और बनिता इनकी शोभा कब बढ़ सकती है, जब इनके साथ आप क्या करेंगे, तो आप लिख देंगे अलंकार का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अलंकार का प्रयोग करेंगे। जब तक इनके साथ अलंकार का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इनको इनको ज्यादा शोभायमान नहीं कर सकते। तो अब सरल सी परिभाषा आपके केशव दास के अनुसार आपको जैसे कभी लिखना हो तो लिख देंगे, भूषण बिनु ना बिराजे ही कविता बनिता मित्र, यानी कि बिना आभूषण के कविता और बनिता की शोभा नहीं बढ़ सकती। तो आप दोनों के लिए, कविता के लिए भी अलंकार का प्रयोग करेंगे और किसके लिए भी, बनिता के लिए भी अलंकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप जब सबको पढ़ लेंगे ना, तो इन सबका एक ही मूल बात निकलेगी, एक ही सबका मूल भाव निकलेगा कि काव्य में सौंदर्य या काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना, काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाना या काव्य में चमत्कार को उत्पन्न करना, ये सब इनका मूल भाव रहने वाला है सभी कवियों का। मतलब कहीं ना कहीं से ये कह रहे हैं कि कैसे आप कविता को या काव्य को ऐसा रोचक पूर्ण बनाए कि आदमी, मनुष्य पढ़े तो उसको कुछ उसमें बेहतर दिखे। और बेहतर कब होगा? जब उनमें कुछ अच्छी अच्छी बातें, चमत्कार सौंदर्य कुछ उत्पन्न होगा। किससे? तो बताएंगे अलंकार से। ठीक है, तो ये परिभाषा आपको याद रखना है, किसके अनुसार होगी? आपके केशवदास के अनुसार होगी, भूषण बिनुना बिराजे ही कविता बनिता मित्र। ठीक है, ये भाई साहब आपके आधुनिक भारत के इतिहास के डॉन व्यक्ति हैं, ये सबसे शानदार आलोचक रहे हैं। ठीक है, आधुनिक इतिहास, आधुनिक हिंदी में इनको पढ़ते हैं, तो ये आलोचक रहे भाई साहब। किसी ने कोई रचना लिखी इनके पास आई देखने के लिए, जैसे आप लोगों की कॉपी चेक होती है ना, तो जैसे कहीं गलती तो लाल पेन से ऐसे करके मार्क कर देते हैं कि ये गलत है ये गलत है, वैसे इनका काम था, इनका ऐसे इसको सही लिखो, ये तुम्हारी ये बात सही नहीं लिखी। इन्होंने कोई नहीं छोड़ा जिसकी आलोचना नहीं की हो, इसलिए ये सबसे बड़े आलोचक हैं। तो ये फेमस हुए इसी के लिए, रामचंद्र शुक्ल जी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इन्होंने भी अलंकार के बारे में क्या लिखा है? काव्य की चमत्कार पूर्ण शैलियां, यानी कि वे शैली जो आपके काव्य में क्या करेंगी, सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न करेंगी, वो क्या है? वो अलंकार है। तो इन्होंने भी ये कहा कि नहीं, काव्य में, कविता में किसका प्रयोग होना बेहद जरूरी है? अलंकार का प्रयोग होना बेहद जरूरी है। ऐसा किसने कहा है? तो बता देंगे, रामचंद्र शुक्ल ने। आपने लगभग अभी 3 से 4 या 5 या 6 डेफिनेशन पढ़ी होंगी मेरे हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, एक बढ़िया एक रफ पेज लेना कैसा भी, तो जितनी भी मत या डेफिनेशन आपने अभी पढ़ी हैं उनको दो दो बार लिख करके लाएंगे, एक बार नहीं दो बार, जैसे आचार्य दंडी एक बार, और इसी पेज को फिर पलटेंगे और वहां फिर लिखेंगे आचार्य दंडी, एक बार देख करके और दूसरी बार आधा आधा देख करके। यहाँ पे आप 100% नकल करोगे हमें पता है, तो पहले ही मैं कह दूं काय को आपको चक्कर में पाड़। ठीक है, और यहाँ पे आप पेज ऐसे ऐसे करके देख लेना कि ये क्या लिखा था। तो इससे ये रहेगा कि आप ये मत आज जाके लिखोगे या कल लिख करके आएंगे तो थोड़ा बहुत दिमाग में बातें अटकी रहेंगी, क्योंकि सुनने के बाद पढ़ने के बाद क्योंकि अपन लिख नहीं रहे। यदि आप लिख लेते ना, यदि अपन यहाँ पे साथ में लिखते चलते, तो आप विश्वास मानिएगा कि 50% बातें तो 10 दिन के लिए वैसे याद हो जाती, ज़्यादा नहीं 10 दिन के लिए। ठीक है, तो इसलिए अब अपन क्या करेंगे, जहाँ जरूरत रहेगी वहाँ पे चीज़ों को आप घर पे इनको थोड़ा सा अच्छा लिखने का अभ्यास भी हो जाएगा। तो जैसे आपके नोट्स में लिखा है वैसा का वैसा ही छाप के लाना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग कल। किसी को कोई डाउट हो 5 बार लिख, अरे साहब 5 बार लिख लें, नहीं 2-2 बार ही लिख लो, और भी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, है ना? चलेगा। अब जरा ऑनलाइन वाले बता दो कोई समस्या है या नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत 1 से 2 दिन लगेगा अभी अलंकार को व्यवस्थित शुरू करने में, तब तक हम बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, लिखते लिखते सुनाए फिर बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर है ना? तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कोई नहीं, आज भी हमने नया ही टॉपिक शुरू किया है, आज आपका पहला दिन है और आज पहली क्लास है अलंकार को लेकर के, कोई समस्या नहीं आएगी।
मिलते हैं फिर हम लोग कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।